गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चार तरह के फोर टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर का लो होना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का लो हो जाना, और फोर्थ बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका एक पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसे हम पाई से नोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पाई। ये है क्या, जो एक्सेस प्रेशर, द एक्सेस प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड होता है, कहां की तरफ से, सॉल्यूशन की साइड से, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सेस प्रेशर हम अप्लाइड करते हैं कहां से, सॉल्यूशन की साइड से, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्यूशन से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल का पास हो जाना, किसके थ्रू, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो होते हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को क्या कर देता है, प्रिवेंट करता है, टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्यूशन की साइड से अप्लाइड होता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब देखिए इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हम लेते हैं, पाई, पाई इक्वल टू होता है CRT, ध्यान रखें पाई इक्वल टू CRT। अब C को हम क्या है, C कंसेंट्रेशन होता है, और C इक्वल टू क्या होता है, N/V। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम छोटी क्लासेस में कि C इक्वल टू N/V। अब N को अगर आप खोल लें, N को अगर खोलेंगे तो मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, यानी ये WB/MV। WB यहाँ पर क्या, N की वैल्यू जो होती है, N इक्वल टू WB/MV होता है। WB क्या होता है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। MV क्या है यहाँ पे, MV होता है मोलर मास। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो पाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, WBRT अपॉन ये V इधर है तो MV × V। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर का लास्ट वाला फॉर्मूला निकल के आएगा, पाई इज इक्वल टू WBRT/MV × V। अभी हम आपको बताते हैं यहाँ पे WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, MV क्या है, मोलर मास, और V क्या है, वॉल्यूम। तो ये हमने पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से उसका डेफिनेशन है और उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। तो बोलो कैसे दिया हूँ।